गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लक्ष्मी लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कक्षा 10 के हिंदी काव्य के पहले पाठ के कुछ पद पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं आपको आगे के पदों के बारे में बताऊँगी। आगे के पद हैं, मैं अपनी गाय चराह हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रही हो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी अपनी माता से जिद कर रहे हैं कि मैं भी अपने ग्वालों के साथ गायों को चराने के लिए जाऊंगा। वह कहते हैं, माता मैं भी अपनी गायों को चराने के लिए वन जाऊंगा और प्रातःकाल होते ही भैया बलराम के साथ वन जाऊंगा और तुम्हारे कहने पर भी मैं घर में नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गैनी के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, अजुना सोमू नंद दुहाई रैन रहोंगे जागत। और वह कहते हैं कि मुझे अपने ग्वाल सखाओं के साथ जरा भी डर नहीं लगता है। आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा और ग्वाल सब गाय चराहे मैं घर बैठे रही हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में देहूँ। तब हे माता, अब ऐसा नहीं होगा कि सब ग्वाल बाल गाय चराने जाएं और मैं घर पर ही बैठा रहूँ। यह सुनकर माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को यह विश्वास दिलाती हैं और कहती हैं, हे पुत्र अब तुम सो जाओ, ओ सुबह होने पर मैं तुम्हें अवश्य ही गाय चराने के लिए भेज दूंगी। यहाँ पर श्री माता यशोदा से भगवान श्री कृष्ण अपनी जिद को पूरा करने की हठ कर रहे हैं। आगे का पद है, मैं हूँ ना चराई हूँ गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराए। इस पद में भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं से परेशान होकर अपनी माता से उनकी शिकायत करते हैं और कहते हैं, माता यशोदा अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, सभी ग्वाले मुझे गायों को घेरने के लिए या उनको इकट्ठा करने के लिए कहते हैं और मुझे इधर से उधर दौड़ाते या भगाते रहते हैं, जिससे मेरे पैरों में बहुत अधिक दर्द होने लगता है। ज्योना पतही पूछ बलदायु यूं अपनी सोह दिवाई, यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिश्याई। हे माता, यदि आपको मेरी बात पर तनिक भी विश्वास न हो तो ओ अपनी बलराम भैया को अपनी सौगंध दिलाकर यह पूछ लो। और यह सुनकर माता यशोदा बहुत ही गुस्से में हो जाती हैं और सभी ग्वालों को गालियां देने लगती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को आवे ना बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिंगाई। और सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि मैं अपने पुत्र को वन में तो इसलिए भेजती हूँ कि उसका मन बहल जाए। माता यशोदा कह रही हैं कि मैं अपने पुत्र को तो जंगल में गायों चराने को लिए इसलिए भेजती हूँ कि ताकि मेरे पुत्र का मन बहल जाए। मेरा श्री कृष्ण तो अभी छोटा है, ये ग्वाले इसे इधर उधर दौड़ा कर ऐसा ना हो कहीं उसे मार डालेंगे।